नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। कमलनाथ बोले 2024 में राहुल गांधी होंगे पीएम कैंडिडेट। भारत जोड़ो यात्रा पर कहा, इतिहास में किसी ने इतनी लंबी पद यात्रा नहीं की। देश में कोरोना का खतरा, भारत में XBB.1.5 वेरिएंट का पहला केस। एसटीडी में दावा, कैंसर मरीजों के कोरोना संक्रमित होने का खतरा ज्यादा है। आजाद का कांग्रेस में वापसी से इनकार, कहा कुछ नेता ऐसी कहानियां गढ़ते हैं ताकि हमारे जैसे नेताओं का मनोबल तोड़ सके। भीड़ ने लगाए जय श्री राम के नाते तो नारे तो भड़की ममता। पीएम के कार्यक्रम में मंच पर बैठने से इनकार किया, दर्शक दरगाह में जाकर बैठी। मुंबई के दादर स्टेशन पर 2 संदिग्ध बैग मिले, बम स्क्वाड को उन्हें कुछ नहीं मिला। इससे पहले चर्च में हमले की धमकी मिली थी। यूपी में एक हफ्ते तक शीतलहर का अलर्ट, 8 विमानों की उड़ान घंटे भर लेट। राप्ती गंगा एक्सप्रेस 13 घंटे, हिमगिरी 8 घंटे लेट पहुंची। प्रयागराज में आईटीबीपी के सिपाही से 7 लाख की ठगी, नए साल का ऑफर बताकर झांसे में लिया, जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में 18 घंटे में 2 सब इंस्पेक्टर की मौत, ड्यूटी पर आया हार्ट अटैक। अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते दोनों ने दम तोड़ दिया। प्रेमी संग मिलकर पति को कुल्हाड़ी से काट डाला, पिता भाई पुलिस ढूंढते रहे। 11वें दिन पता चला घर के बगल में ही दफन था। पूर्व राज्यपाल पंडित केशरीनाथ की हालत बिगड़ी, सांस लेने में परेशानी, प्रयागराज में आईसीयू में भर्ती। पाकिस्तान में प्लास्टिक बैग में बिक रही रसोई गैस खतरनाक, 2 वक्त की रोटी के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। चीन से सैन्य सहयोग बढ़ाना चाहता है रूस, पुतिन ने शी जिनपिंग से 8 मिनट बात की, फरवरी में मास्को आने का न्योता भी दिया। ईरान में स्ट्रेट ऑफ मोर्जू में क्या सेनाभास, सेनाओं के अलावा ड्रोन भी शामिल, यहां से होकर गुजरता है दुनिया का 25% तेल। वाशिंगटन में बिकेगी पाकिस्तान एबेसी, सबसे ज्यादा बोली 2 दुश्मनों ने लगाई, पहला इजराइल यहूदी और दूसरा भारतीय। जिनपिंग ने फॉरेन मिनिस्टर वांग यी को हटाए, यूएस में चीनी एम्बेसडर किन गेंग नए विदेश मंत्री होंगे, वांग को नया रोल देने की तैयारी। महान फुटबॉलर पेले का अंतिम संस्कार 2 से 3 जनवरी को 15 की उम्र में जिस क्लब से शुरुआत की वहीं अंतिम विदाई का भी जिम्मा संभाल रहा है। पाक न्यूजीलैंड कराची टेस्ट ड्रॉ, अंपायर्स ने खराब रोशनी के कारण रोका आखिरी दिन का खेल। रोनाल्डो ने ज्वाइन किया सऊदी अरब का अल नासर क्लब, 1700 करोड़ से ज्यादा की डील है। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपने अंदाज में की पंत के जल्दी ठीक होने की कामना। तलाक की खबरों के बीच सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक के लिए गाया नेहा कक्कड़ का गाना, वीडियो हो रहा है वायरल। सिद्धार्थ 11 फरवरी में करेंगे शादी, वेडिंग वेन्यू हुआ फाइनल, 4 फरवरी से शुरू होंगे प्री वेडिंग फंक्शन। नए साल का जश्न मनाने निकले अर्जुन, मलाइका पत्नी के साथ दिखे वरुण धवन, मुंबई एयरपोर्ट पर कई स्लेब्स भी नजर आए। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे ने फिल्म इंडस्ट्री पर साधा निशाना, बोले यहां प्लास्टिक के एक्टर्स को मिलता है काम, ट्रोलर्स ने याद दिलाया शत्रुघ्न सिन्हा का नाम। दस मिनट के लिए मीका ने के लिए 1.5 करोड़, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत की सगाई में किया परफॉर्म, एक शो जितनी फीस ली।
कमाला आर खान के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे शाहरुख खान। के आर के ने किया था बेशरम रंग गाने का रिव्यू। फिलहाल 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।